Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. I hope you all are fine at your places. तो आज मैं बात करूँगी mirroring emotions के बारे में in children. तो ऐसे है, जब भी हम mirror के आगे खड़े होते हैं, हम अपने आप की image देखने जाते हैं. हम ये expect नहीं करते हैं आगे से mirror कि हमें ये बोले कि आज आपकी eyes bloodshot दिख रही हैं, आज आपका dress अच्छा नहीं है, आज आपका makeup अच्छा नहीं लग रहा, आज आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे. नहीं, हम मिरर के आगे अपने आप की इमेज देखने जाते हैं एंड देन वी डिसाइड फॉर आर सेल्फ्स कि हाँ ठीक है, मेरी ड्रेस गंदी लग रही है, चलो चेंज कर लेते हैं. मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चेंज करते हैं. मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो चेंज कर देते हैं. तो वी डिसाइड फॉर आर सेल्फ्स. तो सिमिलरली, जब हम अपने बच्चों के इमोशंस को मिरर करते हैं तो उनको एक क्लैरिटी मिलती है. क्लैरिटी किस चीज़ की? चेंज होने की, अपने आप को ग्रूम करने की, अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन करने की. फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा स्कूल से आता है और बहुत गुस्से में है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यार आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, ऐसे बहुत गुस्से में लग रहे हो आज आप. तो उसे उसको क्लैरिटी मिलेगी और अपने वो अपने आप के लिए फिर डिसाइड कर सकता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है. ठीक है, या आपका बच्चा किसी को हेट करता है या उसके इमोशंस को आप उसको मिरर करके उसको दिखाओ कि यार मुझे लगता है आप इस बंदे को हेट करते हो, आप इसको लाइक नहीं करते हो. व्हाई? आस्क हिम, क्वेश्चन हिम, ताकि उसको क्लैरिटी मिले, ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके, वो अपने आप को ग्रूम कर सके. पर हम क्या करते हैं ना कि ऑलरेडी बच्चा जब गुस्से में होता है ना, तो हम उसके सिर के ऊपर एक और इंसल्ट ऐड कर देते हैं. जैसे वो गुस्से में है तो हम आके उसको बोल देते हैं यार आपके साथ जो मर्ज़ी कर लो, है ना, आपने ऐसे ही रहना है. आपके साथ अच्छा कर लो, बुरा कर लो, आपने ऐसे ही रहना है. नहीं, ऐसा नहीं करना है. शो हिम, मिरर हिज इमोशन. तो अगर हम ऐसा अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो हम उनको एक मैसेज सेंड करते हैं दैट यू आर इम्पॉर्टेंट टू अस, और आपकी फीलिंग्स को समझना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज आता है कि जैसे ही आप पीसफुल फील करोगे, यू विल फाइंड द बेस्ट सोल्यूशंस फॉर योर सेल्फ. ठीक है, जैसे हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, हम अपना सोल्यूशन निकाल देते हैं ना खुद ही कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमको चेंज करना है. वैसे ही जब हम बच्चों के इमोशंस को मिरर करेंगे तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पीसफुली ये समझ आ जाएगा कि उनके लिए क्या अच्छा है और उनको क्या करना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ डू टेल मी आपको ये वीडियो कैसी लगी. प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड लाइक. थैंक यू.